राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए बयान को लेकर देश भर में भाजपा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बदरपुर इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और उनका पुतला दहन किया गया है। अभी हमारे साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्यों विरोध प्रदर्शन किया है। जी आप अपना नाम बताइए। जी पवन राही। पवन राही जी, क्या कहेंगे, क्यों आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और क्या दिक्कत? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए, और वो तो सांसद भी हैं और कहते हैं ना राजसी नेता भी हैं। राजसी नेता इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उनको पार्टी और किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है। उनके पूर्वज पहले यहाँ राज कर रहे थे भारत में, और वही अभी कर रहे हैं, और उनको उनके मुँह से संसद में और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देना बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जिसके लिए आज ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता प्रदेश पार्टी के द्वारा प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी द्वारा यहां पर आज प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी जी का यहां पर जो पुतला दहन किया गया है। आप अपना नाम बताएं। हेमवीर भाटी। भाटी जी, आप लोग प्रदर्शन में हिस्सा लिए हैं, पुतला दहन के क्या कहेंगे, क्या आप लोगों की आपत्ति है जो आप लोग? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये आपत्ति नहीं, ये पीड़ा है, हमारी नहीं राहुल गांधी की है, जिसका ये रिएक्शन है। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस लगी हुई है, लगते लगते आज ये हाल हो गया इन केवल 10 सालों में कि वो व्यक्ति आज उनके जो परिवार पर राज करा करते थे, अंग्रेज तो चले गए थे, ये अंग्रेज के ही तो वंशज हैं जो इन्हें यहाँ छोड़ के चले गए हमारी छाती में, उसके बाद आज स्थिति ये है कि ये सिमटते सिमटते एक बेकार प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में आज ये कहीं नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उन यात्राएं को आज से पहले कोई नहीं जान रहा था, वो कोई यात्रा चला रहे हैं, किसी को ध्यान भी नहीं था, कोई सुनना भी नहीं चाह रहा था, कोई देखना भी नहीं चाह रहा था। उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा करें, और हमेशा ये तो इतिहास है, आप पढ़कर देख लीजिए, जब भी किसी को अपने आप को हाईलाइट करना है तो अपने से बड़े व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ उलट-सुलट कहता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, और जिसमें हमारे देश के, मतलब मैं तो ये कहूँगा अब तो विदेश के सर्वोच्च अगर कोई नेता जिसको सर्वप्रिय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके जिनकी हम विचारधारा से सब लोग प्रेरित हैं, हर बच्चा बच्चा भारत का, उनको ये टारगेट कर रहे हैं ओबीसी के लिए। अरे भाई साहब, उन्होंने कभी नहीं किया, आज से पहले तो आपको हम नहीं दिखाई देते थे, आज हम 51% ओबीसी है देश के अंदर, मोदी जी ने बात कर दी, आपको दर्द हो गया, आप तो केवल टोपी की बात करते थे, किसी और की तो बात आप करते ही नहीं थे, आज आपको इस प्रकार की पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा के लिए आप ऐसे ही घृणित कार्य करते जाइए, और हमें विश्वास है, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है, अब की बार 400 पार और आप सिमट कर 14 पे रह जाएंगे। ये हमारी ईश्वर से जरूर प्रार्थना है कि आपकी प्रेजेंस रहे, हम ये नहीं चाहते आप विलुप्त हो जाएं। और जैसा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था सदन में कि कुछ दिनों बाद आप लॉबी में दिखाई देंगे, तो हमारी ईश्वर से अपेक्षा है कि आप लॉबी में जरूर दिखाई देंगे, पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। आप अपना नाम? डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राठौर, जिला महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा दक्षिणी दिल्ली। क्या कहेंगे जो आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है? आज का प्रदर्शन राहुल गांधी की जो एक अपनी रैली की तरफ लोगों का ध्यान लेने के लिए उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति पर सवाल उठाया, और वो सवाल ऐसा उठाया कि उनको ये नहीं पता कि तेली समाज जो है ओबीसी में आता है या जनरल में आता है। वो कह रहे हैं तेली समाज से हैं और ये जनरल में आते हैं, जनरल में कहाँ से आते हैं, पूरा भारत के जो तेली समाज है वो हमेशा से ही ओबीसी में आता था, लेकिन इन्होंने अपना जो ध्यान जनता का लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को गलत गलत टिप्पणियाँ करते हैं, जिससे कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज देश की जनता राममय हो गई है, और इस समय 2024 में 400 पार से नहीं 450 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और आज आप लोगों ने मांग क्या किया है, नारे भी लगाए हैं मोदी? आज मैंने राहुल गांधी के लिए माफ़ी मांगने के लिए नारे लगाए, राहुल गांधी माफ़ी मांगें, ऐसे बार बार इनकी पार्टी के द्वारा बहुत सारे नेता उलूल जुलूल की बातें करते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं, और उससे इनका भला नहीं होता है, उल्टा ये नुकसान में ही चले जाते हैं, और जहां भी ये टिप्पणियां करते हैं वहीं हार जाते हैं। आप गुजरात में मोदी जी को ये मौत का सौदा, इन्होंने सवाल उठाया है कि ओबीसी में नहीं है मोदी प्रधानमंत्री, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ओबीसी में मैं भी तेली समाज का ही हूँ, और
जन्म से ही ओबीसी में हूँ। 1989 में हम पैदा हुए, उसके बाद जब हमारा जन्म प्रमाण पत्र बना तो हमारा ओबीसी में ही था। और जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे देश में तेली समाज ओबीसी में ही आता है, लेकिन इनको पता नहीं कौन ज्ञान देता है कि इन्हें नहीं पता है कि तेली समाज ओबीसी में आता है या जनरल में आता है। ओबीसी तेली समाज तो अति पिछड़े में आता है, पिछड़े में भी नहीं अति पिछड़े में आता है। कई राज्य ऐसे हैं हिमाचल और बिहार जहाँ एससी में आता है राजवैर, लेकिन अब इनको इतना ज्ञान ही नहीं है। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं मीनू बसंती बड़ाई, जनजातीय मोर्चा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे, प्रदेश में आपने हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे? जो भी राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया है मोदी जी को लेके, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में इस तरह गलत बोलना कि ये ओबीसी से नहीं है, क्योंकि मैं जनजातीय समाज से हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि ये पीड़ा क्या होती है, ठीक है। और इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं तो कोई एक बंदा गलत बोलेगा, दो बोलेगा, जब सारे लोगों का एक मत है मोदी जी को लेके, तो इससे राहुल गांधी जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। 24 की जो चुनाव आने वाली है, 400 नहीं, हम जिताएंगे मोदी जी को 500 पार से। धन्यवाद। अब देख सकते हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ओबीसी वर्ग में जन्म से नहीं हैं, उनकी पार्टी ने वर्ष 2000 में उनकी जो जाति है उसको ओबीसी में डाला था, इस वजह से वो जन्म से ओबीसी नहीं है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया था, जिसके बाद इसको लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बदरपुर में भी यह प्रदर्शन शनिवार को किया गया।